स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड पंचनामा में, जहां हम लेके आते हैं पुराने बॉलीवुड फिल्मों का पंच एक नए अंदाज में। दोस्तों, बॉलीवुड के हीमैन कहलाने वाले धर्मेंद्र जी जिस भी फिल्म में काम करते हैं उस फिल्म का वजन बढ़ जाता है। तो सोचिए, अगर किसी फिल्म में उनका डबल रोल हो तो ऑडियंस को तो दुगना मजा मिलेगा ना। ऐसी उनकी एक फिल्म है गजब, जिसकी रीमेक की कल्पना आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एनएनसीपी द्वारा प्रोड्यूस की गई गजब साल 1982 में रिलीज हुई थी। इस एक्शन ड्रामा एंटरटेनर को डायरेक्ट किया था सीपी दीक्षित ने। फिल्म का म्यूजिक दिया था मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ये फिल्म 1.75 करोड़ के बजट में बनी थी और इस फिल्म ने 3.75 करोड़ की कमाई कर उस साल की एक हिट फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र और रेखा मुख्य किरदारों में थे। रंजीत ने इस फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाई थी। फिल्म में अन्य कलाकारों में थे जगदीप, अरुणा ईरानी, शरद सक्सेना और प्रवीण कुमार। दोस्तों, अगर इस फिल्म की रीमेक बनेगी तो इस रीमेक में अजय विजय का डबल रोल किरदार निभा सकते हैं। बॉलीवुड के प्रतिभाशाली अभिनेता हिट और करिश्मेटिक रणबीर कपूर जो इस किरदार को बखूबी से निभा सकते हैं। बोली जमुना का किरदार निभा सकती है खूबसूरत आलिया भट्ट जो इस रोल के लिए परफेक्ट पसंद होगी। वहीं अर्जुन सिंह का खुराफाती किरदार निभा सकते हैं अर्जुन रामपाल। जटा शंकर का किरदार रोनित रॉय बखूबी से निभा सकते हैं। वहीं जगदीप के किरदार के लिए गोविंदा एक सही पसंद होंगे और अरुणा ईरानी के किरदार में स्वरा भास्कर एक परफेक्ट पसंद होगी। तो दोस्तों, अब हम आते हैं फिल्म की कहानी की ओर। फिल्म की कहानी में अजय और विजय जुड़वा भाई होते हैं। अजय यानी मुन्ना बाबू मानसिक रूप से थोड़ा विकलांग होता है, लेकिन एक अच्छा सच्चा और प्यारा इंसान होता है। उसके पिता ने उसके नाम पर पूरी जायदाद लिखी होती है। उसके चालाक कर्मचारी एक षड्यंत्र करते हैं और उससे झूठ बोलते हैं कि उसकी कई वर्षों से बिछड़ी हुई माँ शकुंतला और भाई विजय मिल गए हैं। इस चीज से मुन्ना काफी खुश होता है। उसकी खुशी कुछ समय की ही होती है। सभी दुष्ट मिलकर उसे जान से मार देते हैं। मुन्ना की अशांत आत्मा भाई विजय और माँ शकुंतला की तलाश करता है। अपने भाई से मिलने के बाद वो अपने भाई को सारी कहानी बताता है। विजय अपने भाई का बदला लेने के लिए उस गांव में आता है। उस गांव में विजय जमुना से मिलता है। जमुना जो अजय को पसंद करती थी, अजय के मरने के बाद सदमे में चली गई थी, जो अब ठीक हो जाती है। फिल्म के अंत में विजय अपने भाई की मदद से दुष्ट अर्जुन सिंह और जटाशंकर को हराता है और इसके बाद अजय की आत्मा को शांति मिलती है। तो ये थी इस फिल्म की कहानी। दोस्तों, अब हम जानते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। एनसीपी ने इस फिल्म के लिए शशि कपूर को चुना था। ये फिल्म रीमेक है तमिल फिल्म कल्याण रमन की। धर्मेंद्र का ये डबल रोल वाला किरदार ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। तो ये थे इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों, अगर इस फिल्म की रीमेक को बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर राजकुमार हिरानी डायरेक्ट करे तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों, अगर इस फिल्म में ओरिजिनल फिल्म का गाना जाने मन जाने जिगर का रिमिक्स बने तो काफी मजा आएगा। और हाँ दोस्तों, ये आप ही का चैनल है। हम ज्यादातर आप ही के सुझाव पर वीडियोस बनाते हैं, इसीलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर अगली मूवी का सजेशन देना ना भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बजाना ना भूलिएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, इसके अलावा भी बॉलीवुड पंचनामा के पास आपके लिए बहुत कुछ है। ऊपर की बॉक्स को दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियो देखें। नीचे की बॉक्स को दबाकर आप देख सकते हैं हमारे पॉपुलर वीडियोस। बगल में दिए गए गोल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।